अपने कार्यक्रम के अनुसार भावदास परिवार ने भावदास के संविधान रचयिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बड़े दुख के साथ वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन भावदास के इतिहास में भावदास परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति लेकर आया, क्योंकि यह क्षति जो राजकुमार हमदर्द श्री के रूप में हमसे जुदा हो गई थी, इस क्षति को भरपाई वाल्मीकि समाज कभी भी नहीं कर पाएगा। सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जब हम उनका लिखे संविधान और उनके बताए रास्ते पर चलें। उनका दोहा था कि जुआ शराब छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। उनके बताए रास्ते पर चलकर संगठन को मजबूत बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लल्ला बाबू द्रविड़ ने अपने विचारों में कहा कि हमदर्द जी वाल्मीकि कौम में अवतार बनकर आए। उन्होंने अपना पूरा जीवन वाल्मीकि समाज के ऊपर अर्पण कर दिया और उन्होंने अपना घरवार छोड़कर वाल्मीकि जी का प्रचार किया, जिनको याद करके आज संगठन के लोगों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। इस विचार गोष्ठी के मुख्य रूप में वीरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़, विजेंद्र भार्गव, राजू आदिवासी, वीर श्रेष्ठ रवि द्रविड़, विशाल शरण, जगजीवन रामकिशोर, रॉबर्ट चौधरी, विशाल द्रविड़, बलवीर भारद्वाज, शंभुक राम प्रकाश, सोनू वाल्मीकि, रोहित भारती, हरिओम वाल्मीकि, अनिल कठोरिया, नवदीप कुमार सिंह, राकेश सिंधावसी, कमलेश सागर, सुनीता वाल्मीकि, दयावती, अंजू पाशा आदि ने अपने विचार रखे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पूरे भारत के संविधान रचयिता लोहा पुरुष ग्रेस राजकुमार हमदर्द जी, जो 20 मार्च 2017 को हमें छोड़कर विलीन हो गए, उनकी पुण्य तिथि पर हमें ये आज जगह श्रद्धा अर्पित की है सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि एक ऐसी इस बिरादरी से ऐसी शख्सियत हमें छोड़ कर चली गई कि उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। चाहे वाल्मीकि समाज में कोई सा भी संगठन हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके ही लिखे हुए संविधान पर देखो को चल रहा है। इन्होंने संविधान लिखा था, उसी उस पर चल रहे हैं, उसी उस पर जय वाल्मीकि का घोष हो रहा है। गांव गांव गली गली हर जगह इन्हीं के जय घोष के ऊपर, इनके बताए हुए सब उसको संविधान के अनुसार सभी लोग इसी पर चल रहे हैं। इनके लिए श्रद्धा सभी धर्म समाजों ने आज की है। इसी के साथ धन्यवाद।